हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी सर्कल। तो बच्चों, आज की वीडियो है 10th एनएस वाले बच्चों के लिए। उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी का लेसन नंबर 15, जो कि आपकी पुस्तक 2 का पहला लेसन है। इससे पिछली वीडियोस में हमने पहली जो हमारी पुस्तक है उसके सभी लेसन डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और पहली पुस्तक के सभी पार्ट जो हैं उनके आप हिंदी स्टोरी जान सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी जो 15 नंबर का लेसन है जिसका नाम है अंधेर नगरी, इसके बारे में आपको बताऊँगी पूरी की पूरी स्टोरी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना। इसके अलावा अपने सभी एनएस वाले फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी भूलना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि अंधेर नगरी लेसन के अंदर आखिर हम क्या पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली जो है अंधेर नगरी आपका जो है ये एक नाटक है। नाटक के हिसाब से लिखा गया है, थोड़ा आप इसको एक तरीके से कॉमेडी वाला कह सकते हैं। थोड़ा सा मतलब अजीब सा ही नाटक है ये। कुछ चीज़ें ऐसी जो हजम नहीं होती, हो सकता है आपने कभी बचपन में इस तरीके से रिलेटेड अपनी दादी या नानी से कोई कहानी भी आपने सुन रखी हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है आपका जो पार्ट है वो कुल 6 दृश्यों में विभाजित है, मतलब टोटल इसमें 6 सीन होने वाले हैं। पहला दृश्य है इसमें हमारा वो है बाह्य प्रांत। दूसरा दृश्य जो है वो है उसमें बाजार के बारे में बात करी जाएगी, स्थान है उसका बाजार। तीसरे दृश्य में आपको जो है जंगल के अंदर कौन कौन है वहाँ ये सब बताया जाएगा। और उसके बाद हमारा चौथा दृश्य है, चौथे दृश्य में आपको जो है उसका स्थान है राज्यसभा, वहाँ पर आपको राजा मंत्री इन सब के बारे में जानने को मिलेगा। पाँचवा दृश्य है वहाँ उसका स्थान है आपका अरण्य। और छठा और आखिरी दृश्य है इसका, उसका स्थान है आपका शमशान घाट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये प्ले है ये पूरा का पूरा 6 इसमें सीन दिखाए गए हैं, उसके अंदर हम इस पूरे प्ले को डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन एक एक प्ले के अंदर एक एक सीन के अंदर क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ताकि पूरी स्टोरी अच्छे से और आसानी से आपकी समझ में आ जाए। वीडियो के लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है इसमें जो हमारा पहला दृश्य है यानी पहला सीन है, दूसरा है, तीसरा है, इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि पूरी स्टोरी पर्टिकुलर एक या दो लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, काफ़ी सारे इसमें जो है कैरेक्टर्स हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सभी कैरेक्टर्स का नाम यहाँ पर लिख दिया है। एक एक दृश्य को मतलब एक एक सीन को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा है पहला दृश्य जिसका नाम, जिसके अंदर कौन कौन हमें देखने को मिलेंगे, किस किस की स्टोरी है ये। महंत है एक, महंत का मतलब होता है गुरु, और गुरु है तो ऑब्वियसली उसके दो चेले भी हैं यहाँ पर, नारायण दास उसका चेला है और दूसरा जो है चेला वो है गोवर्धन दास। तो देखिए आपका प्ले कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि महंत जो है मतलब जो गुरु हैं वो अपने चेलों से कहते हैं कि बच्चा नारायण दास ये जो नगर है मतलब किसी नगर के अंदर वो आए हैं, क्योंकि देखिए आपका जो लेसन का नाम है वो अंधेर नगरी, तो एक नगर के अंदर आए हैं। तो उससे कहता है कि भाई बच्चा नारायण दास ये जो नगर है वो दूर से तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, चलो एक काम करते हैं चलकर अंदर देखते हैं कुछ अच्छी भिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है नहीं, मतलब भीख ये लोग मांगते हैं, गुरु और चेले साथ साथ हैं। तो इनका जो वो है चेला है जो कि है नारायण दास, इनसे कहता है कि गुरुजी महाराज नगर तो जो है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बाकी में, मगर अच्छा तब होगा ये जब हमें यहाँ से भिक्षा भी अच्छी ही मिले। तो इस पर महंत उससे कहते हैं कि एक काम कर गोवर्धन दास, तू तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जा। इस तरीके से जो अपने उनके दोनों चेले हैं उनको वो अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं और देखते हैं कि कितनी उनको यहाँ से आमदनी होती है, कितनी यहाँ से मतलब उनको भिक्षा मिलती है। गोवर्धन दास उनसे कहता है कि गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े बड़े मालदार दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत मालदार है, अच्छा खासा यहाँ से मिल जाएगा भी, चिंता मत करो मैं जाता हूँ। तो महंत कहता है कि बच्चा ज़्यादा लोभ मत करना, क्योंकि लोभ जो है वो पाप का मूल कारण होता है, पाप जगा देता है जो लोभ होता है, इससे ज़्यादा लोभ मत करना, जो मिले उसको ले लिया ना आराम से। तो देखिए इस तरीके से पहला जो दृश्य है, पहला जो सीन है उसमें गुरु और चेले की जो है भीख मांगने को रिलेटेड ये बातें होती हैं। एक नगर के अंदर वो जाते हैं, सुंदर नगरी उनको वो लगती है, ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पर काफ़ी सारी भिक्षा मिल सकती है, इसलिए वो जो गुरु हैं वो दोनों चेलों को, नारायण दास चेला है और गोवर्धन दास चेला है, उनको अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। दूसरा जो हमारा दृश्य है, दूसरा जो सीन है वो स्टार्ट यहाँ से होने वाला है। इस सीन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो है घसीराम, एक है हमारा यहाँ पर हलवाई, फिर है पाचक वाला, फिर है बनिया, इसके अलावा गोवर्धन दास जो चेला है, और एक है कुंजड़िन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5-6 लोग हैं, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए तो घसीराम का इसमें क्या काम है, घसीराम चना बेचने वाला है। अब देखिए नगर के अंदर ये कहीं जा रहे हैं गुरु और चेले किसी
मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर तो क्या है भाई, अलग अलग जो है पंसारी हैं, जो चने वाला है, चूरन वाला है, वो सब आवाज़ लगा रहे हैं भाई मेरा ये खरीद लो, मेरा ये ले लो। तो घसीराम जो है शोर मचा रहा है कि चना गरम चना गरम, आपने सुना भी होगा कई जगह जो चने वाले होते हैं इसी तरीके से कुछ बेचते हैं। हलवाई क्या कर रहा है, वो गरम गरम जलेबियाँ तल रहा है, वो अपनी जलेबियों की तारीफ कर रहा है कि घी में जो है गरक चीनी में तरातर चाशनी में जो है चबा चब, इस तरीके से कुछ वर्ड्स ये लोग यूज़ करते हैं कि ले लो अच्छे अच्छे लड्डू हैं, भूर के लड्डू हैं, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसी तरीके से आगे पाचक वाला है, वो अपने चूरन की तारीफ कर रहा है कि मेरा चूरन खरीद दो, मेरा चूरन बहुत अच्छा है स्वादिष्ट है, कोई चूरन ले लो। फिर इसी तरीके से जो बनिया है, बनिया जो है आटा दाल लकड़ी नमक घी ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो टके सेल बेच रहा है। तो गोवर्धन दास वहाँ पर आता है और वो जितने भी बेचने वाले लोग होते हैं उनकी आवाज़ सुन सुनकर जो है पूछता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ बिक्री है, ये किस भाव है। होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ का भाव पूछते हैं, रेट करते हैं। तो बनिया से पूछता है गोवर्धन दास के भाई आटा जो है कितने सेर है, बनिया कहता है टके सेर। फिर वो पूछता है चावल, चावल भी टके सेर। फिर पूछता है चीनी, चीनी का क्या भाव है, तो बनिया जवाब देता है कि चीनी भी टके से। फिर घी और हर एक चीज़ जो भी कुछ वो पूछता है ना, वो हर एक चीज़ का दाम जो है बनिया वो टके से ही बताता है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा, हर एक चीज़ का जो दाम है वहाँ पर वो टके से है। तो इस पर गोवर्धन दास कहता है कि भाई बनिया तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो बनिया कहता है नहीं महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मतलब मेरा तो काम है ये। तो गोवर्धन दास जो है फिर वो कुंजड़िन के पास जाता है कि वो उससे पूछता है कि भाई भाजी क्या भाव है, क्या भाव दे रखी है। तो कुंजड़िन भी यही बोलता है कि बाबा जी टके से। तो गोवर्धन दास जो है बड़ा खुश होता है, भाई वाह यहाँ पर तो हर एक चीज़ टके से मिलती है, ना कम ना ज़्यादा, ये नगर तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है। हलवाई से पूछो वो टके से बताता है, और अगर किसी सब्जी वाले से पूछो, चूरन वाले से, किसी से भी पूछो, हर एक चीज़ का भाव यहाँ पर टके से है। चाहे जो है गुलाब जामुन हो, मतलब रसगुल्ले हो, ये सारी की सारी चीज़ टके से है। फिर आगे जो गोवर्धन दास से पूछता है कि बच्चा भाई इस नगरी का नाम क्या है, तो हलवाई जवाब देता है अंधेर नगरी। तो गोवर्धन दास उससे पूछता है कि राजा का क्या नाम है, तो हलवाई जवाब देता है कि चौपट राजा। तो गोवर्धन दास जो है बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके सेर भाजी टके सेर खाजा, इस तरीके से वो इस चीज़ का मतलब गाना सा बना लेता है, धुन सी बांध लेता है, और इसी बात को वो गाए फिरता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो इस तरीके से खुश हो जाता है वो कि हर चीज़ यहाँ पर टके सेर मिल रही है। तो गोवर्धन दास इस तरीके से भिक्षा मांग कर जो है 7 पैसे लाता है, इकट्ठे करता है, और खुश होता है कि भाई हाँ अपने जो मेरे गुरु हैं उनको दूंगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरे दृश्य में देखिए, हमने जाना है दूसरे सीन में कि हर एक चीज़ यहाँ पर इस नगरी के अंदर टके से मिल रही है, चाहे चूरन हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मिठाई हो, फल हो, हर एक चीज़ का भाव यहाँ पर टके से है। इस तरीके से दूसरे सीन में हमें ये जाना है। अब हम देख लेते हैं तीसरा हमारा दृश्य। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सर्च को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर दीजिएगा। तीसरा जो सीन है उसमें बिल्कुल लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। पहला है महंत, मतलब फिर से गुरु, और गोवर्धन दास चेला। देखिए दो चेले थे यहाँ पर गुरु के, गोवर्धन दास था और एक दूसरा नारायण दास था, मगर नारायण दास का ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पर, गोवर्धन दास का काम ज़्यादा है, उसी के बारे में उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली है। तो तीसरे दृश्य के अंदर क्या होता है, इसका स्थान था हमारा जंगल, जंगल के अंदर बातें करती है। तो महंत जी जो है, जो गुरु जी हैं, और नारायण दास एक ओर से आते हुए आते हैं, वो गाना सब कुछ गाते हुए आते हैं। तो फिर महंत उससे पूछते हैं कि भाई गोवर्धन दास क्या है, क्या भिक्षा लाया है तू, तो गठरी तो तेरी ऐसा लग रहा है कि भारी है काफ़ी, कुछ काफ़ी सारा मतलब माल मसाला लाया है। तो गोवर्धन दास उससे कहता है कि बाबा जी बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। तो महंत कहता है कि देखो बच्चा इतना सारा मतलब सामान तुझे किसने दे दिया, क्या किसी धर्मात्मा से तुम्हारी मुलाकात हुई जो किसी ने तुम्हें इतना सारा दाम दे दिया। तो गोवर्धन दास कहता है कि गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी सारी मिठाई मोल ली है मैंने। तो महंत उससे पूछता है कि बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ हर एक जो चीज़ है वो टके से मिलती है, तो मुझे तो इसकी बात पर विश्वास हुआ नहीं, तो तू ये बता कि ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है। तो गोवर्धन दास उसे बताता है कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा वो है चौपट राजा, इसलिए टके से भाजी और टके से खाजा। तो महंत उससे कहता है कि बच्चा एक काम कर, ऐसी नगरी में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है जहाँ टके से भाजी और टके से ही खाजा हो,
सो बच्चा चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई भी मुफ्त मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना, यहाँ एक पल मत रुको, क्योंकि यहाँ तो न्याय व्यवस्था, मतलब यहाँ का तो राजा को यही नहीं पता किस तरीके से अपने प्रजा को चलाना है, अपना राजकाज उसको देखना है, हर एक चीज़ का मतलब सेम ही रेट कर रखा है उसने। तो यहाँ रहना कोई बुद्धिमत्ता वाला यह देश नहीं है, कोई बुद्धिमान यहाँ का राजा नहीं है, यहाँ का राजा ऐसी है पागल सा, इसलिए यहाँ से जल्दी से चलो। पर गोवर्धन दास उससे कहता है कि ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, दो पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है, मैं तो इसलिए इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर भी मांगो तो भी पेट नहीं भरता, लेकिन यहाँ पर तो आराम से जो है काम हो जाएगा। तो महंत कहता है कि देख बच्चा, मैं तो जा रहा हूँ मगर तू पछताएगा, तो सुन तो रहा नहीं है कि तू मेरे साथ चल भी नहीं रहा। तो गोवर्धन दास कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, और मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं पर रुक जाओ। मतलब इस तरीके से गोवर्धन दास अपने गुरु को भी कन्विंस कर रहा है कि आप भी यहीं रुक जाओ इसी नगरी में मेरे साथ, मगर जो महंत है वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं तो इस नगरी में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा, और देख मेरी बात मान ले, नहीं तो तू बाद में पछताएगा। चल मैं तो जा रहा हूँ, पर तेरे से इतना कहता जा रहा हूँ कि कभी कोई संकट पड़े, कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। तो गोवर्धन दास गुरु जी को प्रणाम कर देता है और कहता है कि मैं आपको बहुत याद करूँगा, और फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे एक आखिरी बार कि आप चाहो तो यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन जो महंत है, जो गुरु है, वो वहाँ नहीं रुकते और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो सीन है, दृश्य है, वो होता है खत्म। अब जो है चौथा जो हमारा दृश्य था वो जो है राजसभा के अंदर था, वहाँ पर राजसभा मतलब नौकर चाकर राजा, यहाँ से हमारा तीसरा चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, नौकर है, फरियादी है, इसके अलावा राजा है, मंत्री है, एक जो है, कल्लू के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कल्लू की बकरी के बारे में, फिर है कारीगर है, चूने वाला है, भिश्ती है, कसाई भी है, यहाँ पर गड़ारिया भी है और कोतवाल भी है। देखो आपको ये नहीं कि आपकी हर एक नाम का जो है रट्टा मारो, जस्ट आप एक ऐसा सोचते चलो कि हम कोई जो है मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसा कोई छोटा सा सीरियल, कोई शो देख रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है इस स्टोरी को आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस चौथा दृश्य जो है हमारा वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी बकवास भरी आपको बातें सुनने को मिलेंगी, थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है, तो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो चौथे दृश्य में क्या होता है, एक जो है फरियादी आता है और वो चिल्लाता हुआ आता है कि दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मतलब होता है ना कि पूरा राजकाज राजसभा लगी हुई है, राजा बैठे हैं, मंत्री हैं, वहाँ पर सब हैं, तो एक फरियादी जो है दुहाई दुहाई करता हुआ आता है, दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं और वो कहता है कि महाराज दुहाई हो दुहाई हो। तो राजा कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ न्याय मिलेगा, क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ, तुम्हें तो यहाँ पर ऐसा न्याय हम देंगे कि तुम यमराज के यहाँ भी ऐसा न्याय नहीं हो सकता, तो बताओ तो सही कि क्या दिक्कत हुई। तो फरियादी कहता है कि महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे मेरी बकरी जो है वो दबकर मर गई, इसलिए महाराज न्याय किया जाए, मेरी बकरी कल्लू जो है ये कल्लू बनिया उसकी दीवार के नीचे आकर दबकर कैसे मरी, तो उसे सजा दी जाए, बेसिकली ये कहना चाहता है। तो राजा कहता है नौकर से कि भाई एक काम करो, कल्लू बनिए की दीवार को जो है पकड़ के लाओ। देखो है ना हंसी की बात, बेवकूफ़ राजा है, कह रहा है कि कल्लू की जो दीवार है उसको ही पकड़ के लाओ क्योंकि वो ही गिरी है। तो मंत्री कहता है कि महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती, आप ऐसी बातें मत करो। राजा कहता है कि अच्छा एक काम करो, उसका भाई लड़का दोस्त कोई तो होगा, मतलब दीवार का लड़का भाई दोस्त कोई तो होगा, उसको ही पकड़ के ले आओ। तो मंत्री कहता है कि महाराज जो दीवार होती है ना वो ईंट चूने इनकी बनी हुई होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता, उसको कोई रिश्तेदार नहीं है कि हम उसको पकड़ के ले आए। राजा कहता है कि अच्छा एक काम करो, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ के ले आओ। तो लोग जो है जल्दी से जाते हैं, कल्लू बनिया को पकड़ कर ले आते हैं। तो फिर पूछते हैं कि क्यों भाई बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। तो मंत्री कहता है कि महाराज बरकी नहीं बकरी बोलो उसको, वो दबकर मर गई है। राजा कहता है हाँ बकरी क्यों दबकर मर गई बताओ, नहीं तो मैं अभी फांसी दे दूंगा। अब कल्लू क्या करता है, वो कहता है कि महाराज भी मेरा तो देखो कोई दोष है नहीं, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि वो गिर गई। राजा कहता है कि अच्छा इस मल्लू को छोड़ो, मतलब कल्लू की जगह उसको मल्लू कहता है, इस मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर ले आओ। तो कल्लू जाता है, लोग कारीगर को ले आते हैं, क्यों भाई कारीगर इसकी बकरी कैसे दबके मर गई। तो कारीगर कहता है कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोधा और खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है कि अच्छा इसको कारीगर को बुलाओ, उसको नहीं नहीं इसको निकालो और उस चूने वाले को बुलाकर लेके ले आओ। तो कारीगर को तो ले जाते हैं, फिर चूने वाले को पकड़ कर लाते हैं, क्यों वे चूने वाले तूने ऐसा कैसा चूना बनाया जो इसकी बकरी दबकर मर गई। चूने वाला कहता है कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा मिला दिया था, इसी से चूना कमज़ोर था और दीवार गिर गई। राजा कहता है कि अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ के लाओ। मतलब इस तरीके से जो जिस पर ब्लेम करता है, जो जिसका नाम लगाता है वो बेवकूफ़ राजा,
उसी को पकड़वा पकड़वा कर बुलाता रहता है एक एक करके। तो अब चूने वाले को तो निकाल दिया जाता है और भिश्ती को लाया जाता है। उससे पूछते हैं कि क्यों भी भिश्ती, तूने जो है इतना ज़्यादा पानी क्यों पिला दिया उसमें कि जो है दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई। तो भिश्ती कहता है कि महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक की इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो राजा कहता है कि अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को तो निकाल दो अब। तो लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। फिर बेचारे कसाई की क्लास रखती है कि क्यों भाई कसाई, बता मशक इतनी बड़ी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई। तो कसाई कहता है कि महाराज, गड़रिए ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा फिर सोचता है कि अच्छा, कसाई को छोड़ो, अब जो है गड़रिए को लाओ पकड़ के। तो कसाई को तो निकाला जाता है और गड़रिए को लेकर के वहाँ पर आया जाता है। फिर उससे वही सवाल किया जाता है कि क्यों बे कसाई, क्यों बे गड़रिए, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची आखिरकार, जो उस कल्लू बेचारे की उसकी बकरी मर गई वहाँ पे। तो गड़रिए कहता है कि महाराज, उधर से कोतवाल साहब जो है उनकी सवारी आ गई थी और उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है। तो राजा कहता है कि अच्छा, अब इसको भी निकालो और कोतवाल को पकड़ के लाओ। अब कोतवाल को लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्यों भाई कोतवाल, तैने सवारी इतनी धूमधाम से निकाली ही क्यों कि गड़रिए ने जो है घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, अब तू बता। कोतवाल कहता है कि महाराज, मैंने मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते देख रहा था, मतलब अपनी सवारी से मैं तो शहर का इंतजाम देख रहा था। अब भाई मंत्री मन मन में सोचता है कि ये बेवकूफ़ राजा है, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर पूरे जो है नगर को ही उड़ा दे, मतलब पूरे नगर को ही फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि नगर के इंतजाम देख रहा था ना वो। तो वो कहता है कि कोतवाल ये कहता है कि सॉरी मंत्री ये बोलता है कि नहीं नहीं इसी का दोष है, मतलब मंत्री थोड़ा सा राजा को यहाँ पर सपोर्ट दे देता है। तो राजा कहता है कि हाँ, यह नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी निकाली ही क्यों कि उसकी बकरी दबी। अब बेचारा कोतवाल महाराज करता रह जाता है। राजा कहता है कि कुछ नहीं, कोई आगे बात नहीं होगी, इसको लेकर के जाओ, उसको भी फांसी दे दो। तो फाइनली इस तरीके से यहाँ पर कोतवाल को पकड़कर फांसी पर जो है उसको लटका दिया जाता है, मतलब सॉरी लटका नहीं दिया नहीं जाता, अभी देखते हैं क्या होता है कहानी में आगे। और राजा कह देता है कि यहाँ पर आपकी जो है सभा बर्खास्त हुई, फाइनली कोतवाल को दोषी ठहराकर उसके ऊपर फांसी का जो है हुक्म दे दिया जाता है। यहाँ पर आपका चौथा दृश्य खत्म होता है। तो इस तरीके से चौथे दृश्य में बहुत सारे कैरेक्टर्स एंटर हुए हैं, नौकर है, फरियादी है, कल्लू, चूने वाला, कसाई, कोतवाल, राजा, मंत्री, कारीगर, भिश्ती, घड़रिया, इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स थे। पांचवे दृश्य में, पांचवे सीन में अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। पांचवा जो हमारा सीन है उसमें ज़्यादा लोग नहीं है, उसमें आपका प्यादा है, प्यादा नंबर एक, प्यादा नंबर दो और गोवर्धन दास। ठीक है, गोवर्धन दास याद आ गया, वही जो गुरु की बात ना मानकर इस नगर के अंदर रुक गया है। अब देखिए पांचवे सीन में क्या होता है, गोवर्धन दास बड़ा खुश है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, अपना दिन आराम से मस्ती से वो यहाँ पर अंधेर नगरी के अंदर रह रहा है, खा खा कर मोटा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा खुश है वो। तो और ये भी सोचता रहता है बार बार कि गुरुजी तो बेकार में ही मुझे हर रुकने से रोक रहे थे, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, अपने को किसी राजकाज के काम से थोड़ी मतलब है, अपने आप को तो रोज़ मिठाई खाना सोना अपना गाना और क्या है, आनंद ही आनंद है, मज़े में हूँ मैं तो। अब अचानक से यहाँ पर दो प्यादे आते हैं, प्यादा नंबर एक और प्यादा नंबर दो। पहला प्यादा बोलता है उससे आके, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर तू मोटा हो गया है, आज तेरी जो है मोटापा सही से सुधार देंगे। तो प्यादा नंबर दो बोलता है कि बाबा जी चलिए नमो नारायण करेंगे, चलो चल के साथ में। तो गोवर्धन दास सोचता है, घबरा जाता है कि ये आफत कहाँ से आ गई, कहता भी अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो पहला प्यादा कहता है आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप जो है हमारे साथ चलिए, आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब गोवर्धन दास हो जाता है भौचक्का, फांसी, बाप रे बाप, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसकी जमा लूट ली, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो तुम, इस तरीके से वो सवाल करता है। तो दूसरा प्यादा कहता है कि आप बड़े मोटे हैं इसीलिए आपको फांसी होगी। तो गोवर्धन दास कहता है मोटापे की वजह से किसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो गलत बात है, इस वजह से तो आप मुझे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। तो पहला प्यादा बोलता है कि देखो बात यह है कि कल कोतवाल को जो है फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फांसी देने के लिए गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं और हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर लाओ और उसको फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को तो मतलब फांसी पर चढ़ाना ही पड़ेगा, न्याय तो तभी होगा। तो कोतवाल साहब तो पतले हैं इसलिए उनको नहीं चढ़ा सकते। अब जो है हमने सब जगह ढूंढे, अब नगर में जो है राजा के डर के मारे कोई मोटा होता ही नहीं है, मगर हमने देखा कि तुम तो अच्छे खासे काफ़ी मोटे हट्टे कट्टे हो, मतलब इसलिए ही कोतवाल के बदले अब तुमको हम फांसी पर चढ़ाएंगे, तुम चलो। अब गोवर्धन दास जो है कहता है कि तुम्हें कोई और मोटा नहीं मिला जो तुम मुझे ही मुझे अनाथ को ही बेचारे को फांसी पर चढ़ा रहे हो, कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम्हें चढ़ाएंगे हम तो फांसी पे। तो गोवर्धन दास बेचारा रोने गाने लगता है कि दुहाई परमेश्वर की, मैं तो बेकार यहाँ रुक गया, मैं तो बेकार यहाँ पर मारा जा रहा हूँ,
अरे यहाँ तो बड़ा अंधेर है, गुरुजी महाराज कहाँ हो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे शायद उसका फल भोगना पड़ेगा। मतलब यहाँ कुल मिलाकर जो है गोवर्धन दास को पछतावा हो रहा है बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर आपका पांचवा सीन होता है खत्म। छठे दृश्य के अंदर, छठे सीन के अंदर जो इस जो है लेसन का लास्ट दृश्य है उसके अंदर अब हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर फिर से कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, गोवर्धन दास है अपना, गुरु आ गए हैं, अब यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे छठे फाइनल दृश्य में। पहले में दृश्य में थे आपके, दूसरे में हैं भैया, पहला सिपाही है, दूसरा सिपाही है, राजा, मंत्री और कोतवाल, ये आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। इनके इर्द गिर्द अब छठा दृश्य होने वाला है, आखिरी सीन इस प्ले का होने वाला है। तो गोवर्धन दास को जो है फांसी पर चढ़ाने के लिए लाया जाता है। रो रहा होता है बेचारा कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल मुझे मिल रहा है, मुझे बचा लो गुरुजी, कहाँ पर हो आप, कहाँ पर हो। तो सिपाही उसको बेचारे को घसीटते हुए लाते हैं। अब गुरुजी जो है कहाँ से पता नहीं आ जाते हैं कहानी के अंदर, उनको शायद अपने बच्चे की, अपने इस चेले की पुकार सुनाई आ जाती है। तो कहता है अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी दशा कैसे हो गई। तो गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसलिए मुझे फांसी पर दे रहे हैं, बचा लो मुझे। तो गुरु कहते हैं कि अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तूने मेरा कहना नहीं माना, चल कोई चिंता मत कर, कुछ जुगाड़ देखता हूँ मैं। तो अब जो है फिर क्या करता है गुरु, कुछ जुगाड़ लगाता है वो। तो कहता है कि सुनो भाई, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, थोड़ा सा हट जाओ। मतलब सिपाहियों से कह रहा है कि थोड़ा हट जाओ, मुझे इसको आखिरी उपदेश देने हैं, देखो मेरा कहना मान लो, वरना देखना तुम्हारा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। बेचारे सिपाही महंत वाले गुरु है वो भिक्षा मांगने लगे, डर जाते हैं थोड़ा, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। तो गोवर्धन दास जो है कुछ कहता है, मतलब सॉरी जो महंत है वो आकर जो है कुछ समझाता है कान में गोवर्धन दास के। तो गोवर्धन दास एकदम बोलता है कि तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, मुझे चढ़ाओ फिर। तो महंत कहता है कि नहीं बच्चा मुझे चढ़ने दो तुम। अब गोवर्धन दास कहता है नहीं गुरुजी हमें फांसी पर चढ़ने दो। तो इस तरीके से दोनों गुरु और चेले जो है दोनों बहस करने लग जाते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। महंत कहता है कि भाई मैं तो जो है बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चढ़ने दो तुम फांसी पे। गोवर्धन दास कहता है कि भाई स्वर्ग जाने में कौन सा बूढ़ा है जवान, मैं जाऊँगा, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। अब इस तरीके से जब दोनों की लड़ाई हो जाती है तो लोग जो है जो सिपाही है स्पेशली वो जो बहुत चक्के हो जाते हैं। तो पहला सिपाही कहता है कि भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कहता है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ी चल रही है। अब राजा राजा भी बोलता है कि ये क्या गोलमाल है। तो पहला सिपाही कहता है कि महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, अब समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या आ रहा है, क्या चल रहा है ये। तो राजा कहता है गुरु से कि बाबा जी एक बात बताओ, आपको फांसी पर क्यों चढ़ना है। तो जो महंत है मतलब गुरु जी हैं वो कहते हैं कि देखिए महाराज, इस समय ऐसा जो है मुहूर्त है, ऐसा शुभ मुहूर्त है, जो मरेगा इस वक्त वो सीधा बैकुंठ जाएगा। अब देखिए बैकुंठ एक वर्ड है जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैकुंठ जाएगा मतलब बैकुंठ कहाँ पर है। बैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग जन्नत आप कह लो, तो बैकुंठ मतलब स्वर्ग जाएगा ऐसा बोलता है वो। मंत्री कहता है एकदम फिर एकदम से, तब तो भाई हम फांसी पर चढ़ेंगे। अब गोवर्धन दास कहता है नहीं नहीं हमको हुक्म हुआ है, मुझे चढ़ाओ फांसी पे। कोतवाल कहता है नहीं नहीं मुझे लटकाओ, दीवार तो मेरे मेरी वजह से टूटी है, मतलब मुझे ही तो हुक्म हुआ था फांसी का। इस तरीके से कुल मिलाकर सबके सब वहां पर बहस करने लग जाते हैं कि नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे चढ़ा दो। अब क्या होता है, चुपचाप बैठा हुआ राजा एकदम से बोल पड़ता है, राजा एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के रहते कोई और बैकुंठ कैसे जा सकता है, कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है, वहां की सैर करने का हक तो केवल राजा को ही है, सबको हटाओ और जल्दी से मुझे फांसी पर चढ़ा दो। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये पूरा का पूरा प्ले होता है खत्म इस लाइन के साथ कि राजा कहता है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तो महंत कहता है कि जहाँ पर ऐसे मूर्ख राजा हों, जहाँ पर जिस नगरी का नाम ही अंधेर नगरी है, वहाँ तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ये कहानी होती है फिनिश, थोड़ी सी बेढंगी कहानी है, कोई इसका कुछ शिक्षा हम इससे ग्रहण नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ ये शिक्षा जरूर ग्रहण कर सकते हैं कि अगर आपके बड़े आपके गुरु आपको कोई उपदेश दे रहे हों, कोई बात समझा रहे हों, तो कभी कभी उनकी बात मान लेनी चाहिए, कभी नहीं मोस्टली मान लेनी ही चाहिए, क्योंकि हम उन बड़े लोगों को, हमारे गुरु हों चाहे टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हों, उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, ज़्यादा समझ होती है, वो हमको अच्छी ही एडवाइस देते हैं अपनी तरफ से, तो उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। केवल ये शिक्षा हम इस कहानी से ले सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि आप उसको अपनी लाइफ में उतारो। यहाँ पर आपकी स्टोरी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे स्पेशली इस वीडियो के लिए, इस लेसन के लिए, कि अंधेर नगरी जो लेसन है वो मैम प्लीज़ आप अपलोड कर दीजिए, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया है। अगर इस तरीके की यूजफुल वीडियोस चाहिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे कोई ही दिन हमारा जाता है, हम एनआईएस से लेकर रिलेटेड, सीबीएसई से लेकर रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं और लेसन्स हैं, उन सभी को हम शेयर करते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल
बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए या फिर आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी एंड बाय स्टडी। थैंक यू सो मच।